सब कुछ सिखा देता है पापा, और प्यार करने वाले कभी सोचा नहीं करते। दोस्तों, ये डायलॉग सलमान खान हमें उनकी फिल्म मैंने प्यार किया में बोलते नजर आए थे, और वहीं अब वो अपनी आने वाली फिल्म भारत में भी कुछ ऐसे ही डायलॉग्स बोलते नजर आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा और आप सभी का स्वागत है बोलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आजकल सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म भारत में काफी व्यस्त है। जी हाँ, और उनके फैंस को भी इस फिल्म का काफी इंतजार है। वहीं जब से इस फिल्म की घोषणा हुई है तभी से सलमान खान इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड है। वो इस फिल्म को स्पेशल बनाने में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत में कैटरीना कैफ का लुक पहले ही रिलीज कर दिया गया था, वहीं अब सलमान खान का लुक भी रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ, सलमान खान की कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुई है जिसमें सलमान खान अपने दो अलग अलग लुक्स में नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में सलमान खान अपनी हाफ टी शर्ट में अपने बाइसेप्स फ्लॉन्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में सलमान खान एक हाफ शर्ट में 60s का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगले साल ईद पर रिलीज होने वाली इस फिल्म में आपको सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ, दिशा पटानी, जैकी श्रॉफ, तब्बू और सुनील ग्रोवर नजर आएंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि ये फिल्म बाकी फिल्मों से अलग क्यों है। तो दोस्तों, सलमान खान की ये फिल्म उनकी सभी फिल्मों से अलग है। दरअसल इसकी कहानी 1947 में हुई भारत पाकिस्तान के बंटवारे से लेकर अब तक के बीच की हुई घटनाओं पर आधारित है, और सलमान खान ने इससे पहले ऐसी कोई भी फिल्म नहीं की है। दोस्तों, इस फिल्म के लिए सलमान खान इतनी कड़ी मेहनत क्यों कर रहे हैं? दरअसल इस फिल्म में आपको सलमान खान के अलग अलग लुक नजर आने वाले हैं, और उन्होंने अपने लुक के लिए कड़ी मेहनत की है, क्योंकि इस फिल्म के जरिए आपको सलमान खान एक 20 साल के यंग लड़के से लेकर 60 साल के बूढ़े तक का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। जैसा कि सलमान खान के लिए ये रोल करना काफी चैलेंजिंग होने वाला है। दोस्तों, क्या कैटरीना कैफ और सलमान खान एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा पाएंगे? जैसा कि हम सब जानते हैं, सलमान खान और कैटरीना कैफ ने एक साथ काफी फिल्में की हैं, काफी ब्लॉकबस्टर फिल्में ली हैं, और शायद इसीलिए सलमान खान से ब्रेकअप के बाद भी कैटरीना ने उनके साथ काम करने से मना नहीं किया। सलमान खान और कैटरीना ने एक साथ कई फिल्में की हैं, जैसे एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, पार्टनर, सभी फिल्में ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको लगता है कि कैटरीना और सलमान की जोड़ी एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर वही धमाल मचा पाएगी? क्या ऑडियंस के दिल में अपनी वही जगह बनाए रखेगी? हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और फिल्मों के इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। धन्यवाद।